हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम हल्का फुल्का टेस्टी मूंग दाल का नाश्ता। फ्रेंड्स, आप एक बार नाश्ते को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कम तेल में और बिना फ्राई किए मैंने आज नाश्ते को बना के तैयार किया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली थी 1 कप मूंग की दाल, जिसको मैंने अच्छे से 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया है। ये मैंने यहाँ पर धुली मूंग की दाल ली थी, देखिए 3 से 4 घंटे में काफ़ी अच्छे से ये फूल चुकी है। अगर आप सुबह नाश्ता बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम इसमें से निकाल देते हैं। तो मैंने सारा पानी निकाल दिया है, अच्छे से साफ धो लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सी का जार, इसमें हम ये सारी दाल को डाल देते हैं क्योंकि हमें दाल का पेस्ट बनाना है। तो सारी दाल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दही। तो मैं यहाँ पर 4 चम्मच इसमें दही डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि बाई चांस अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसमें 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। जैसे वो दही से काम करेगा वैसे वो नींबू से भी काम कर जाएगा, क्योंकि अक्सर किसी के पास दही नहीं होता है तो वो यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं। दही या नींबू कुछ भी डाल दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, अगर हमें ज़रूरत लगेगी पीसते टाइम पे कि अगर बैटर अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा पानी हम बीच बीच में और ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जार का ढक्कन बंद कर देते हैं, अच्छे से हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरह का इसका बैटर बना के तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, सारे बैटर को हम एक बाउल में निकाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे मिक्सर को एक बाउल में निकाल दिया है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अच्छे से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी का हमें मिक्सर इसका बनाना है। अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बारीक कटा हुआ टमाटर, ये डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ले ली है बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई हम इसमें प्याज डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर ले लिए हैं फ्रेश मटर के दाने, आपके पास फ्रेश फ्रोजन जो भी मटर है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेश मटर डाल दी है मैंने थोड़ी सी, साथ ही साथ हम इसमें फ्रेश धनिया की पत्तियाँ भी डाल देते हैं। थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, 1/3 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला। बहुत ही थोड़ा सा डालना है क्योंकि हम हल्का फुल्का नाश्ता बना रहे हैं तो ज़्यादा हैवी इसको नहीं बनाएंगे, बहुत ही कम मसाले हम इसमें यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी सब्जियाँ इसमें बारीक काट के चॉप की है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी सब्जियाँ इसमें से अवेलेबल नहीं है तो आप उसको इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। जो जो सब्जियाँ आपके पास है वो आप डाल दीजिएगा, कोई सब्जी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बन गया है। अगर आपको बैटर थोड़ा बहुत पतला लगे या थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पतला लग रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच सूजी या फिर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इस तरह से ये इडली स्टैंड। मैं यहाँ पर इडली स्टैंड में इसको बना के तैयार कर रही हूँ। आप डायरेक्ट तवे पर भी इसको बना सकते हैं, बिल्कुल चीले टाइप में, जैसे तवे पर बनाते हैं चीले की शेप में भी आप इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मैंने उनको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ये इनो फ्रूट सॉल्ट। तो इसमें से मैं यहाँ पर ये 1/2 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। जैसे इनो फ्रूट सॉल्ट काम करेगी वैसे ही यहाँ पर इनो जो बेकिंग सोडा है वो भी काम करेगा अच्छे से। इससे क्या होगा कि जो हमारी इडली बनेगी एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच पानी भी ऐड कर लेते हैं, जिससे कि इनो का रिएक्शन इसमें अच्छे से हो जाए। देखिए, पानी डालते ही कितना बढ़िया से इसमें बबल्स आ रहे हैं। अच्छे से हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसका इसमें से इनो का जो रिएक्शन ख़त्म ना हो। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बस हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। अब हम चलते हैं सीधे इडली स्टैंड की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर लेके 1/2 चमचा के करीब हम इसमें ये बैटर भर देते हैं। पूरा नहीं भरना है क्योंकि ये अच्छे से फूलेंगे तो बाहर निकलने लगेंगे, तो पूरा ना भरें, हल्का सा थोड़ा खाली रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इनको भर के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर रख दिया था इडली स्टैंड में 1 ग्लास के करीब पानी पहले से ही बॉयल करने के लिए। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपने स्टैंड को लगा देते हैं।
अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, गैस का जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे ही हमें इनको पकाना है। तो अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और लगभग हमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। 10 से 15 के बीच में आप इसको एक बार चेक करके देख सकते हैं कि ये पकी है कि नहीं। तो 10 से 15 मिनट तक हम इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से के मिनट बाद, जैसे कि आप 12 मिनट में इसको चेक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इनको कम से कम 12 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से इडली फूल के तैयार हुई है, एकदम आप देख सकते हैं कि कितनी स्पॉन्जी लग रही हैं। तो हम लेंगे यहाँ पर एक इस तरह की टूथपिक, इस तरह से इसको स्टर्न करेंगे और बाहर निकालेंगे। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि जो बैटर है इसमें भी थोड़ा सा चिपका हुआ है, यानी कि ये अच्छे से अभी नहीं पके हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 12 मिनट के बाद चेक किया है, अब हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा सा चिपक रहा है। तो अभी हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 10 से 12 15 के बीच में आप इसको एक एक बार चेक करते रहें, ऐसा ना हो ज़्यादा ओवर कुक हो जाए फिर। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 मिनट के बाद मैं इसको फिर से चेक कर रही हूँ, यानी कि टोटल मैंने इनको 15 मिनट तक पकाया है। इस बात को ध्यान रखना है, घड़ी से मिला के 15 मिनट तक आपको पकाना है। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकल रही है, यानी कि बिल्कुल भी बैटर चिपका हुआ नहीं है। अब हम गैस को ऑफ करके इनको हम बाहर निकाल देते हैं जिससे कि ये ठंडी हो जाएं। ये देखिए इनको मैंने अच्छे से बाहर निकाल दिया है। फ्रेंड्स अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब हम इनको गर्म गर्म ही निकालेंगे तो वो अच्छे से नहीं निकल पाएंगे। तो पूरी तरह से हम इनको ठंडा कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पूरी तरह से इनको ठंडा कर लिया है। अब हम एक नाइफ की हेल्प से इनको हल्के हाथों से निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, टूटने का भी काफ़ी डर रहता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी इडलियों को निकाल के रख लिया है एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इस तरह से भी इन इडलियों को खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार हुई है। देखिए देखने से आपको पता चल रहा हो कितनी बढ़िया लग रही हैं। तो इस तरह से भी आप इनको टमाटो सॉस हरी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। बट हम इनको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक प्रोसेस करेंगे। तो हम चलते हैं फिर से गैस की तरफ। तो अब हम रखेंगे यहाँ पर गैस ऑन करके पैन, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, बस हल्का हल्का सा ग्रीस करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि बहुत कम ऑयल में हम इसको बना के तैयार करेंगे। बस थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं ये राई और आधा चम्मच मैंने डाल दिए हैं सफ़ेद वाले तेल और थोड़ा सा हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। अगर आपके पास करी पत्ता है तो डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं जिससे कि ऑयल में इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी इडलियों को बना के रखा है उनको हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इडलियों को हम इसमें फ्राई करके जब खाएंगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। फ्रेंड्स आप एक बार इनको ट्राई करके ज़रूर देखना। आप सिंपल भी खा सकते हैं, इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाते हैं तो आप सिंपल ही खा लीजिएगा, तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो फ्रेंड्स सारी सब्जियों सेहत से भरपूर मैंने आज बहुत टेस्टी नाश्ता आपके लिए तैयार किया है बना के। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी इडलियों को फ्राई करके तैयार कर लिया है। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर एकदम मज़ेदार लग रही हैं देखने में। तो फ्रेंड्स आप इन इडलियों को टमाटो सॉस हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, एकदम स्पॉन्जी बनके तैयार हुई हैं। देखिए देखने से ही आपको पता चला होगा कितनी ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है ये, बहुत ही जल्दी से पच भी जाता है। तो मैं यहाँ पर इसको टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।